उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने नए मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। कल शाम सभी मंत्रियों के बीच में विभाग बांटे गए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने पास 13 विभाग रखे हैं, जबकि 9 विभागों का बंटवारा किया गया है। वही 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी बनाए गए हैं। सतपाल महाराज को सीएम रावत ने सिंचाई मंत्रालय सौंपा है, जबकि अरविंद पांडे को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। बंशीधर भगत जो इस कैबिनेट का हिस्सा बने हैं उनको संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया, ये जिम्मा उनके पास है। शहरी विकास मंत्रालय भी उन्हीं को दिया गया है। इसके अलावा हरक सिंह रावत को पर्यावरण मंत्रालय, यानी कि पहले भी यही विभाग संभाल रहे थे। बिशन सिंह चुफाल इस कैबिनेट के नए सदस्य, उनको पेयजल मंत्रालय दिया गया है। तो यशपाल आर्या जो कि पहले भी कैबिनेट का हिस्सा थे तो उनके पास परिवहन मंत्रालय था, इस बार भी परिवहन मंत्रालय ही वो संभालेंगे। सुबोध उनियाल के पास कृषि मंत्रालय है। गणेश जोशी इनको उद्योग मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। वहीं तीरथ कैबिनेट में 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। सबसे बड़ा नाम धन सिंह रावत, सहकारिता मंत्रालय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी है। रेखा आर्य के पास महिला सशक्तिकरण मंत्रालय है, ये भी पहले राज्य मंत्री रही त्रिवेंद्र कैबिनेट में। और स्वामी यतीश्वर आनंद उनको गन्ना विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये वो चेहरे हैं, ये तीरथ कैबिनेट के नए मंत्री हैं, और कौन कौन से विभाग इनके पास हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, विभागों के बंटवारा, विभागों का बंटवारा कब होगा, पोर्टफोलियो कब होगा, ये सवाल बना हुआ था, लेकिन इस बीच में जो कहा जा रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पुराने जो कैबिनेट का हिस्सा रहे उन लोगों के पास वही विभाग है, करीब 7 लोगों के पास। तो ऐसे में इतना वक्त क्यों लगा पोर्टफोलियो के बंटवारे में? जी बिल्कुल राजीव, देखिए हम शुरुआत से ही कह रहे थे क्योंकि 4 साल का वक्त हो चला था, और ऐसे में जो पहले से ही जो मंत्री जिस विभाग को संभाल रहे थे वो उन्हीं को मिलने तय थे, और ऐसा ही हुआ है। हालांकि एक हल्का फेरबदल हुआ है। अगर हम बात करें तो पहले रेखा आर्य के पास दुग्ध जो डेयरी था वो अब रेखा आर्य को दे दिया गया है, जो पहले धन सिंह रावत के पास था, और धन सिंह रावत को जो है आपदा प्रबंधन दिया गया है। ये पूर्व के जो पहले से जो मंत्री थे उसमें ये हल्का फेरबदल देखने को मिला है। उसके बाद जो 4 मंत्री हैं उनको भी दायित्व दिए गए हैं, लेकिन जहां तक देरी की बात है तो इस पर काफी गहरा मंथन चला है कि किसको क्या देना है, क्योंकि हम कह रहे हैं बार बार क्योंकि वक्त बहुत कम है और ऐसे में चुनावी वर्ष है। जिस मंत्री को भी जो दायित्व दिए गए हैं उन सबसे फीडबैक लेनी है और उनको उस पर काम भी करना है। तो जो 4 नए मंत्री जो शामिल हुए हैं उनको काफी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। चाहे हम बंशीधर भगत की बात करें तो उनको शहरी विकास दिया गया है। बिशन सिंह चुफाल जिनको कैबिनेट में जगह मिली उनको पेयजल मंत्रालय दिया गया। गणेश जोशी की अगर हम बात करें तो औद्योगिक विकास और इसके साथ ही सैनिक कल्याण उनको दिया गया है। इसके साथ ही हम बात करें तो स्वामी यतीश्वरानंद की अगर हम बात करें तो गन्ना विकास और चीनी मंत्रालय उनको दिया गया है। तो ये बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। काफी सोच समझ के बाद ये मंत्रालय का आवंटन हुआ है और शायद इसी वजह से इसमें देरी हुई है कि 4 से 5 दिनों के बाद ये मंत्रालय जो है ये भी कयास से ये भी उम्मीदें लगी जा रही थी कि हो सकता है कि वित्त विभाग या स्वास्थ्य विभाग या लोक निर्माण विभाग किसी अलग से मंत्री को दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद के पास ही ये विभाग रखे हैं। जी निश्चित तौर पर जो है ये ज़रूर संभावनाएं थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय और इसके साथ हम लोक निर्माण विभाग की बात करें ये विभाग जो है किसी को दिए जा सकते हैं, लेकिन इस पर भी गहन मंथन चला और इसके बाद ये विभाग खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। लेकिन हम पहले बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री के पास करीब 40 के करीब विभाग थे, और अब मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री हैं तो तीरथ सरकार ने इतने विभाग जो है मुख्यमंत्री ने अपने पास नहीं रखे हैं, अहम विभागों की जिम्मेदारी दी है, लेकिन कुछ विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं। चाहे गोपन की बात करें, सूचना की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं जो खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं और मुख्यमंत्री ने ये 13 विभाग अपने पास रखे हैं। रवि आप हमारे साथ बने रहे, मैं आगे आपके पास लौट रहा हूं। तो विभागों का बंटवारा हो गया। विभागों के बंटवारे में राज्य मंत्री रेखा आर्य को पूर्व के विभागों के साथ एक डेयरी विकास विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में जो काम रह गए हैं उन्हें आगामी 1 साल में तेज किया जाएगा। कि जो हम जिस तरह से 4 सालों से लगातार काम कर रहे थे ठीक उसी प्रकार से अब नए विभाग के जुड़ने के उपरांत में भी उतने ही बेहतर और बढ़िया तरीके से जो है वो काम किया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि उनका विश्वास जो है वो जनमानस के लिए काम करना चाह रहे हैं, वही जनमानस के लिए काम करते हुए मैं समझती हूँ कि योजनाओं को धरातल पर, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में हो, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो या अब डेयरी के संदर्भित जो भी काम होंगे, निश्चित रूप से लोगों में स्वरोजगार भी पैदा किया जाएगा और साथ साथ में दुग्ध का विकास भी किया जाएगा। विभागों के बंटवारे के साथ ही विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली पड़ी सीट सल्ट विधानसभा पर भी
उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सल्ट सीट पर आगामी 17 अप्रैल को उपचुनाव होंगे, जिसमें नामांकन की आखिरी तारीख 30 मार्च रखी गई है, जबकि 3 अप्रैल को वापसी की तारीख होगी। वहीं 2 मई को उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू होगी। और आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद उनके सामने सबसे पहली और बड़ी परीक्षा सल्ट सीट को जीतना ही होगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली, मुख्यमंत्री बनाया गया तीरथ सिंह रावत को। और अब इस बीच में उपचुनाव सल्ट में, जहां पर सुरेंद्र सिंह जीना जो कि बड़ा चर्चित चेहरा इस एरिया का, उनका निधन हो गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब पहला सवाल तो ये है कि बीजेपी की तरफ से चेहरा क्या होगा, क्या खुद मुख्यमंत्री यहीं से उपचुनाव में हिस्सा लेंगे? देखिए राजीव, अभी ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि मुख्यमंत्री सल्ट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी चुनाव लड़ना है। वो कौन सी सीट पर जो है इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सल्ट सीट जो है अभी खाली है, और ऐसे में ठीक आज से अगर हम बात करें तो एक महीने का वक्त है, जिस एक महीने के बाद 17 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होने हैं। ऐसे में ये भी अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह जीना के परिवार के किसी सदस्य को भी यहाँ से टिकट मिल सकता है, और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किसी अन्य विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, और कोई भी कई विधायक ऐसे हैं जो कि उनके लिए सीट इस वक्त जो है खाली कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जो है सल्ट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक सल्ट उपचुनाव की बात है, यहां पर सुरेंद्र सिंह जीना क्योंकि लगातार वो 3 बार के विधायक रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बहुत अहम सीट बीजेपी की रही है, और ऐसे में इस बार अगर हम बात करें तो बीजेपी सीट को खोना नहीं चाहेगी, और सुरेंद्र सिंह जीना के किसी परिवार वाले को भी इस बार जो है यहां से टिकट दिया जा सकता है, ऐसी भी सूचना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस बार इस सीट पर पूरा दाव खेल रही है, उन्होंने पहले से इसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं और वो भी पूरी मंथन में इस बार इस सीट को अपने खाते में लेना चाहती है। तो अब समय करीब करीब एक महीने का है, और ऐसे में एक महीने का ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, वो अपने पक्ष में चाहती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि इस बार जो है मुख्यमंत्री को भी अभी एक जगह से चुनाव लड़ना है, और अगर वो सल्ट से चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प जरूर हो जाएगा। लेकिन अभी मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ते हैं या कोई अन्य विधानसभा सीट कोई विधायक उनके लिए खाली करता है, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन सल्ट के लिए अब एक महीने का वक्त है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूरी तैयारियां कर दी हैं कि इस सीट पर वो उपचुनाव में दोनों ही अपनी जीत के लिए काम करेंगे, और ऐसे में कांग्रेस भी पूरा मंथन कर चुकी है। हालांकि ये सीट राजनीतिक दलों की कोशिश होगी कि जीत वो दर्ज करें। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो सल्ट की सीट और अब जंग शुरू होने वाली, आगे बढ़ रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत के आज 3 बड़े कार्यक्रम हैं। दोपहर 12:30 बजे कोविड की मीटिंग में हिस्सा लेंगे सीएम। पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये मीटिंग होने वाली है शाम को 4 बजे जल जीवन मिशन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीरथ सिंह रावत समीक्षा करेंगे। शाम को 5 बजे राज्य सेक्टर केंद्र पोषित योजनाओं और जो है बाह्य साहित्य परियोजनाओं का कार्यक्रमों का वो फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा की और दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ जिले के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संगठन को मजबूत कर 2022 के चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने की बात कही। तो वहीं राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि मां गंगा का हमने आशीर्वाद लिया है और कामना की है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसको मैं सफलतापूर्वक निभाऊंगा। विधिवत रूप से यहाँ पूजा की है गंगा मैया की। 2022 में प्रचंड बहुमत मिले भारतीय जनता पार्टी को, राज्य में सुख समृद्धि रहे, यही माँ गंगा से प्रार्थना की है। उत्तराखंड में कोरोना रिटर्न से चिंतित है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करेंगे और कोरोना से बने हालात और वैक्सीनेशन पर ये मीटिंग होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और उत्तराखंड में कुंभ भी है, और ऐसे में ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तराखंड के लिहाज से। सीएम तीरथ सिंह रावत इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, मीटिंग में मौजूद रहेंगे। कोरोना काल में हरिद्वार कुंभ भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने मेले में कोविड रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है, हालांकि उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का पालन जरूर करना है। तो इस बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पंकज राणा इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, और उत्तराखंड में तो कुंभ है तो इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन हरिद्वार की मैं बात करूं, कुंभ भी चल रहा है, साधु संतों ने वहां पर डेरा जमा लिया है, लोग भी आ रहे हैं, क्या कोविड नियमों का पालन हो रहा है वहां? बिल्कुल राजीव, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी होगी क्योंकि इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उत्तराखंड में लेकर जो बैठक जो भी कोरोना की अपडेट है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि उत्तराखंड में अब सबसे बड़ी जो चहल पहल है, सबसे बड़ी जो गैदरिंग है वो हरिद्वार में चल रही है, हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस लिहाज से यहाँ पर देश से ही नहीं तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि अगर भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर कोविड का जो दूसरी खेप है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, दूसरा जो सिलसिला चल रहा है भारत में उसका भी यहाँ पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बड़ी चिंता भी की बात है और चिंता भी इसमें जताई जा रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी बंदिशें खत्म कर दी, सवाल यही है कि बंदिशें आपने खत्म कर दी लेकिन क्या वहाँ पर कुंभ में कोरोना ना फैले इसके लिए कोई कदम, कोई विशेष निर्देश, क्या कोई मॉनिटरिंग वहाँ पर होती है, जागरूकता के लिए लोग जागरूक रहे इसके लिए कुछ वहाँ पर किया गया है? निश्चित तौर पर देखिए बॉर्डर एरिया जैसे तो सख्ती कम कर दी है लेकिन अगर हम हरिद्वार की बात करें, हरकी पौड़ी की बात करें या आसपास के एरिया की बात करें तो वहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, वॉलंटियर्स लगातार सैनिटाइजर से लोगों को उनके हाथों पर सैनिटाइजर डाल रहे हैं, इसका मास्क के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही साथ हरकी पौड़ी के आसपास में 4-5 जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहती है और जो श्रद्धालु आते हैं वो उनसे उनका सैंपल भी लेते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, उनका एड्रेस क्या बता रहे हैं, सैंपल लेने की व्यवस्था, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, वहाँ पर कैंप्स भी जो है लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यही सब जानकारियां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कुंभ में कोरोना ना फैले, कैसे उसको रोका जाए, क्या क्या स्टेप्स सरकार ने उठाए, इसकी जानकारी दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत तो हो चुकी है मगर संत अभी भी इस बात से नाराज है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रहे हैं और इसी को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत बैरागी अखाड़ों के संतों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान दीपक रावत ने बैरागी अखाड़ों के संतों को जल्द जमीन मुहैया करवाने का भरोसा दिया। जगह इधर से हमको मालूम है, इसका मतलब कुछ फोर्स भी लगा। उत्तराखंड के सत्ता में मुखिया बदलने के साथ ही अब अधिकारियों की भागम भाग शुरू हो गई है। हरिद्वार में मेला अधिकारी एक बार फिर से एक्टिव मोड में है। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने कुंभ में टेंट लगाने से साफ मना किया था मगर नए मुखिया ने कुंभ को दिव्य और भव्य कराने की ठानी हुई है, इसीलिए अखाड़ों के लिए जमीन के चिन्हीकरण का काम शुरू हो गया है। संतों को उम्मीद है कि सभी व्यवस्थाएं वक्त पर पूरी कर ली जाएंगी। सब जमीन मिलेगा, उम्मीद तो सब है, हनुमान जी का काम है, महाराज सबको करना पड़ेगा, न करेंगे तो देश में बहुत आफत आ जाएगा। ये धर्म के काम है, धर्म का काम जब रुकोगे तो बहुत बड़ा दिक्कत आपको फंसेगा, इसलिए धर्म के काम ये जो मुख्यमंत्री आया है बहुत अच्छा है और मोदी जी है ये हैं, योगी जी है ये हैं, सब तो है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने खुद बैरागी अखाड़ा जाकर संतों से मुलाकात की। मेला अधिकारी का कहना है कि अखाड़ों के टेंट के लिए जमीन के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारी तीनों अड़िया हैं, बहुत से हमारे जो सम्मानित खालसे हैं यहाँ पे आके इनकी बसावट होती है, मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं और अभी समय क्योंकि कम है इसलिए इस काम को बहुत तेज से करना है, बहुत युद्ध स्तर पे करना है। तो कल हमने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली, आज हम फील्ड पे मौके पे ऑफिसर्स को लेके आए हैं कि जो हमारे पुराने नक्शे हैं उसके अनुसार हम जमीनों के प्लॉट्स को काट दें, इंटरनल रोड्स उसमें हम लोग बना दें, बिजली पानी सोखता बाथरूम्स टॉयलेट्स जो सुविधाएं दी जानी है मूलभूत वो सब देना हम प्रारंभ कर दें। त्रिवेंद्र रावत के समय जारी हुई एसओपी के मुताबिक कुंभ में टेंट नहीं लगाए जाने थे तो वहीं कुंभ में आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी थी मगर तीरथ रावत ने उस फैसले को पलट दिया, यही वजह है कि संत उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो नहीं समझ सकते कि सनातन संस्कृति क्या है, हिंदू सनातन जो है कल्चर क्या है, कुंभ मेला क्या है। कुंभ मेला वो है जो दुनिया के अंदर धर्म के नाम पे और आस्था के नाम पे कहीं पब्लिक इकट्ठा होती नहीं, वो कुंभ मेला है। यह देवता के कार्य है, देवता के कार्य को रोकने के उनका अधिकार ही नहीं है, देवता के कार्य रोकने के कोशिश किए तो उन्होंने देख लिए क्या दशा हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी गया। मेला अधिकारी का दावा है कि अगले हफ्ते भर के भीतर अखाड़ों से जुड़े काम पूरे कर दिए जाएंगे। 1 अप्रैल से महाकुंभ का विधिवत आयोजन होना है, जाहिर है कि उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं धरातल पर नजर आने लगेंगी।
आपको मालूम है हम तो एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। खेत में कुनेला खेत भड़गांव के जंगलों में आग लगी है। कुनेला खेत भड़गांव के जंगलों में आग लगी है, ये खबर आने के से वन संपदा को नुकसान हो रहा है। धू धू कर जंगल चल रहे हैं लेकिन अभी कोई प्रहरी नहीं दिख रहा है। वन विभाग का दस्ता कहीं नहीं है, जंगल जलते चले जा रहे हैं और विशेषकर जो चीड़ के जंगल हैं वहां पर आग लगी हुई है। रानीखेत के राजकीय अस्पताल में फिजिशियन की नियुक्ति और अव्यवस्थाओं को लेकर चल रहा धरना खत्म हो गया है। पिछले 9 दिन से धरना चल रहा था। सीएमओ का कहना है कि अस्पताल को कलर अल्ट्रासाउंड मशीन जल्द मिलने जा रहे हैं, तो वहीं हफ्ते में 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को फिजिशियन आएंगे। और क्षेत्रीय विधायक करण महारा ने कहा कि 20 अप्रैल तक फिजिशियन की नियुक्ति नहीं की गई तो आमरण अनशन शुरू किया जाए। एक्सरे मशीन आ चुकी है और उसके अलावा अमित नेगी जी ने भरोसा दिलाया है कि 15 अप्रैल से पहले या परमानेंट फिजिशियन हमारे यहाँ इस अस्पताल को मिल जाएगा। दार्चुला में पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी के होने के कारण दारना घाटी में कई जगह पर ग्लेशियर खिसकने लगे हैं। इससे CPWD की निर्माणाधीन सड़क सेला से बालिंग तक कई जगहों पर बंद हो गए हैं। दारमा घाटी के अंतिम गांव सीपू और मार्छा को जोड़ने वाला सीपू गाड़ पर बना लकड़ी का पुल बाढ़ में बह गया। ITBP से इसकी जानकारी मिलने के बाद दारमा घाटी के लोगों को अप्रैल से शुरू होने वाले माइग्रेशन के प्रति चिंता बढ़ गई है। बता दें आपको कि अप्रैल पहले हफ्ते से माइग्रेशन उच्च हिमालय क्षेत्र के लिए यहाँ पर ग्रामीण जाते हैं। जोशीमठ स्थित नीति घाटी में अभी भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर रास्ते अभी तक वहां पर ग्लेशियर्स जमे हुए हैं तो झीलों का पानी भी अभी तक जमा हुआ है। मार्ग पर जगह जगह जबरदस्त बर्फ और ग्लेशियर्स टूटकर आने से गमसाली से नीति तक मोटर मार्ग पूरी तरह से बंद है। नीति घाटी में अभी भी जबरदस्त सर्दी का सितम देखने को मिलता है। जोशीमठ से चेनाब घाटी में अभी तक बर्फ जमी हुई है और चेनाब घाटी की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 13,000 फीट है। चेनाब घाटी तक पहुंचने के लिए बर्फीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और इस दौरान हर पल जान का खतरा बना रहता है। ट्रैकर्स को यहां पर पहुंचने के लिए कई दिन लग जाते हैं, करीब 4 दिन का वक्त लगता है, मगर ट्रैकर्स दल तमाम खतरों से लोहा लेते हुए चेनाब घाटी तक पहुंचते हैं। घाटी में अभी भी 4 से 5 फीट तक बर्फ जमे हुए है। जोशीमठ में रैणी जुगजू के ग्रामीणों में उन्होंने जो है श्रमदान करके धौली गंगा पर लकड़ी के पुल का निर्माण कर दिया है। बीते 7 फरवरी को ऋषि गंगा में आए भीषण आपदा से रैणी के पास पैदल झूला पुल बह गया था, जिसके बाद से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए लोगों को मुश्किलें हो रही थी। ग्रामीणों ने अब अपनी सहूलियत के लिए सरकारी और प्रशासन का इंतजार नहीं किया, उनके बिना मदद के ही एक टेम्प्रेरी पुल बना दिया है जिससे आवाजाही कर रहे हैं।